बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। इससे हमें कूलम का नियम पढ़ना है ना, उस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चर्चा हो चुकी थी। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराए गए थे पीडीएफ के थ्रू, उसका सोल्यूशन एक एक करके देखते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा सर पांचवा क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन, एक एक करके सब बताता हूं जल्दी से। पहला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ऋणावेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 1, बेटा अल्फा कण अल्फा कण को हम लिखते हैं 2He4। इसका मतलब अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 2। ये बराबर कितने के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। आप जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू E, पूछा कहां है, नाभिक में। चलिए दो गुड़े 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आना चाहिए 3.2 गुड़े 10 के घाते माइनस 19 कूलम प्लस। नोट करें जल्दी, पॉज करिए, नोट करिए। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे थे, दूसरा लगी जाना है, तीसरा भी लग जाएगा। अच्छा एक बार दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन था, एक चालक पर एक कूलम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। जब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया जा रहा था, अच्छा ये बात बताइए, क्यू बराबर 1 कूलम, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः आवेश कैसा आवेश होगा। साहब आप क्वांटाइजेशन पढ़ाते समय आपको चीज बताई गई है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर बढ़ते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। अधिकता है, अधिकता का मतलब किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, आवेश कैसा होगा, निगेटिव होगा। बोले हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, हम जानते हैं किससे, आवेशों के क्वांटीकरण गुण से, इलेक्ट्रॉनों के क्वांटीकरण गुण से क्यू बराबर एन ई, क्यू की वैल्यू 1, एन का मान पता नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यन। देखो ये गुड़े में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यन इज इक्वल टू, देखो ये 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर, 10 टू द पावर 19 इसमें भाग अगर आप दोगे तो इसको आना चाहिए 0.625, एक 10 इसके साथ रख लो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। नोट करें फटाफट,
क्वेश्चन नंबर तीन हो ही जाना है, चार हो ही जाएगा, पांच भी हो ही जाना है, छठवां देखिए, छठवां कई लोगों ने मुझसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर छह, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसके चालक पर, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर छह, इलेक्ट्रॉनों की यन बराबर कितना है, 1500, क्यू बराबर यन इंटू ई, यन की वैल्यू 1500 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चले ये दो जीरो इसके साथ जाएगा तो 10 टू द पावर 2 चौथा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 15 × 10 के खाते तो 1500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -17 क्यों, क्योंकि आधार बराबर है, जब गुणा होगा तो खाते आपस में एडअप होंगे, गुणा करो 15 × 90 तो 0 हाथ में लगा 9, 15 × 1 = 15, 15 × 9 = 24 कूलाम, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलाम। ये तो आई Q की वैल्यू। अब सुने मेरी बात ध्यान से, चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है, अतः प्रकृति निगेटिव होगी। नोट करें जल्दी, सातवां लगी जाना है से, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, n बराबर 500 का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम में आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, फिर देख ले अगर कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज, अगर अधिकता है तो निगेटिव चार्ज। चलिए अब आइए टॉपिक पर, इससे पहले हम लोगों ने शुरुआती लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, फिर आपको यह बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तीन पार्ट में तोड़कर पढ़ना चाहिए, पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब पढ़ते हैं जब आवेश स्थिर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब पढ़ते हैं जब आवेश स्थिर हो। उसके बाद आपने बारी बारी से पढ़ना शुरू किया, आपने सबसे पहला जो की पॉइंट पढ़ना शुरू किया वो कहा आपने आवेश, चार्ज क्या है, किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। फिर आपको बताया कि आवेश दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। फिर आपको ये बताएगा कि सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब विद्युत उदासीन होता है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद आपने आवेशों के गुणों की चर्चा करनी शुरू की, आपने कहा कि बिना मास के हम आवेश की कल्पना कर ही नहीं सकते। फिर दूसरी बात आपने कही कि आवेशों की, कणों की गति का उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आपने कहा आवेश संरक्षी होता है, फार एंड आइसोलेटेड सिस्टम, किसी मिलकित निकाय के लिए आवेश संरक्षी होता है, आवेश ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर होता है। फिर आपने उसी में कहा था कि प्रकृति ने जो सबसे सूक्ष्मतम चार्ज दिया है वो इलेक्ट्रॉन को दिया है। फिर इसके बाद आपने कहा आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत का मतलब ये किसी भी पदार्थ पर आने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है।
हमने जो लास्ट लेक्चर छोड़ा था वो छोड़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल के बारे में आपने कहा कि दो चार्ज हो, ये Q1 हो ये Q2, दोनों स्थिर हो, इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। अब चर्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल सदैव संपर्क बल होगा। संपर्क बल का मतलब क्या? फोर्स लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों कॉन्टेक्ट में आए, बिना कॉन्टेक्ट में आए भी दोनों दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। खैर, इसकी चर्चा जब कूलम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे तब। बेटा स्थिर वैद्युत बल तो हमें ये पता चल गया कि दो अगर चार्ज रख दिए जाए तो उनके बीच फोर्स काम करता है, कोई फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात ये आएगी कि अब हम ये कैसे पता करें कि कितना, तो कितना बताने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। बेटा आपने 11th में पढ़ा था यांत्रिकी मैकेनिक्स, थोड़ा सा अगर याद हो तो। यहां आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतकी। यहां आप क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्युतकी। अब सुने मेरी बात ध्यान से बेटा, वहां जो की पॉइंट होता था वो होता था द्रव्यमान। वो क्या होता था? द्रव्यमान। यहां का जो की पॉइंट है वो क्या है? आवेश। मैकेनिक्स में आप मास मान के करते थे, आप ये जानते थे कि अगर 5 किलो ग्राम की कोई वस्तु अगर हम ऊपर से छोड़े तो कितने बल से पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचेगी, 10 किलो की वस्तु है समान ऊंचाई से छोड़े तो कितने बल से खींचेगी। मास चेंज हो जाने से गुरुत्वाकर्षण बल चेंज हो जाता था। इसका की पॉइंट क्या है? आवेश। इसका की पॉइंट क्या है? द्रव्यमान। वहां हम द्रव्यमान को लेके चलते थे, यहां क्या लेके चल रहे? आवेश। बेटा वही आपने एक चीज पढ़ी थी, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का। यहां आप क्या पढ़ रहे हैं? यहां आप पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत बल। इसको नोट करने की जरूरत नहीं, बस एक बार समझ लो बेटा। वहां आप जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप देते थे, आप कहते थे F बराबर कैपिटल जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। यहां आप पढ़ने वाले हैं कूलम का नियम। वहां न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से मैग्नीट्यूड निकलता था, यहां किससे निकलेगा? कूलम के नियम से। बेटा वहां आप पढ़ते थे गुरुत्वीय क्षेत्र, यहां आप क्या पढ़ने वाले हो? वैद्युत क्षेत्र। इसी को लेकर चर्चा आगे हम करेंगे। एक बार पूरा एकदम लिंक करना शुरू करो, सुनो मेरी बात। मैकेनिक्स जो चीज आप 11th में पढ़ के आए हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि 11th में आपने वो चीजें पढ़ी जो आपको दिखाई देती थी। अगर आप इस मार्कर को आप ऊपर से छोड़े तो ये आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी चाक कोई चार्ज टहलना शुरू करें या इलेक्ट्रिसिटी, दिखाई थोड़ी ना देती, इलेक्ट्रिसिटी तो महसूस होती है, वो इमेजिनेशन में है कि भैया इलेक्ट्रॉन अपने अनुगमन वेग से तार में गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब द्रव्यमान आपको दिखाई देता था पहली चीज। तो यह मैकेनिक्स का जो की पॉइंट है वो क्या है? मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का की पॉइंट क्या है? चार्ज। वहां आप क्या पढ़ते थे? गुरुत्वाकर्षण बल। यहां आप क्या पढ़ते हैं? स्थिर वैद्युत बल। वहां आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, यहां आप कूलम का नियम पढ़ोगे। सेम वैसे यदि मैं आपको ये चीज बताऊंगा, यह बराबर के इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, देख लो सब कुछ वही है। F वहां भी है, R भी वहां है, R भी वहां है,
जहां पर चेंजिंग क्या है या वोमन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों से नियम है, उसी से मिलते जुलते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए, जैसे वहां आप सबसे पहले जानते थे गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता था, जो उनके मास के कारण होता है उनमें। अब दो आवेशों के कारण भी आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितना, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको कूलाम का नियम पढ़ना आवश्यक है। चलिए हेडिंग लगाइए कूलाम का नियम, हेडिंग लगाइए कूलाम का नियम। बेटा कूलाम ने कहा कि यदि दो आवेश क्यू वन और क्यू टू इनके बीच की दूरी हो r, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों समान आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ये इसको धकेलेगा इधर और ये इसको धकेलेगा इधर, फोर्स लगेगा। अब बात ये आएगी कि फोर्स कितना, इसके लिए न्यूटन ने कहा किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल यफ आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से सुने, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से मेरी बात सुन, न्यूटन कूलाम ने कहा किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है, अगर दूरी घटेगी, अगर मैं कहूं दूरी कम हो जाए, दूरी कम होगी तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टे अनुपात में बढ़ना, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब दोनों में से अगर कोई बढ़ेगा तो यफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू। समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाने पर, समीकरण एक व समीकरण दो को मिलाने पर जब आप मिलाएंगे तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या बन निकल के आएगा, यफ बराबर के क्यू वन क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम, नोट करें जल्दी नोट करें फिर बताता हूं ये चीज क्या है। चलिए अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा, फिर से मेरी बात सुने, कूलाम का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए है। कूलाम के नियम ने कहा कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब इन दोनों में से कोई बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा, देखो या तो ये बढ़े तब भी फोर्स बढ़ेगा, या तो Q2 बढ़े तब भी फोर्स बढ़ेगा, या दोनों बढ़े तब भी फोर्स बढ़ेगा। यहां दूरी अगर कम होगी तो फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा तो फोर्स कम, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टे अनुपात।
फिर आपने कहा समीकरण एक और दो को मिलाने पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फिर इस प्रोपोर्शनल को हटाया, क्या लिखा, के, जहां के क्या है, अच्छा इतना नोट करो फिर बताता हूं। अब इसी के आगे के क्या है, के नियतांक ना प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए माना, जहां के बराबर नियतांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 बराबर 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर। नोट करें, देखो दो स्थिर आवेश उनके बीच की दूरी r थी, कूलाम का नियम कहता है कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आपने कहा f इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 बराबर 9×10⁻⁹ इस नियतांक की वैल्यू कितनी होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। नोट करें जल्दी, चलिए देखो इस कांस्टेंट में 1 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, बेटा एप्सिलॉन नॉट इसको कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट या जीरो, जो इंडिकेट करता है निर्वात की विद्युतशीलता, जो इंडिकेट करता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्साइलन जीरो। एप्साइलन जीरो का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। बेटा विद्युतशीलता, विद्युत का मतलब चार्ज, शीलता का मतलब सहन करने की क्षमता, मतलब किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस द्रव गैस, फिर आपको पता है चालक कुचालक अर्धचालक, तो किसी वस्तु द्वारा आवेश सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है, उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। इसको क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन जीरो, मतलब क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। जल्दी करें, चलिए अब हम चर्चा करेंगे इस एप्सिलॉन जीरो की। एक लाइन नीचे आकर नोट में पहला एप्सिलॉन जीरो के मान की गणना, बेटा एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85×10⁻¹ कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चेक करें, हम जानते हैं अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, हम जानते हैं क्या जानते हो भैया, 1/4πε0 बराबर 9×10⁻¹ ये भी पढ़ा था आपने, 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहीं से मात्रक भी निकल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, चलिए
हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। अब करें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 4πε0 बराबर 1। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया भैया, 4। अब ε0 बराबर कितना होगा, 1। देखो 9 × 10⁹ इधर आएगा, ये गुड़े में है, इंटू 4π। चलो जब मात्र की बात करो तो जब ये गया था इधर तो कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, ये 10⁹ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ अपान 9 × 36π 1/36π गुणे 10⁻⁹-9 कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.008। एक बार भाग करके देखिए जल्दी फटाफट, अब आप इसको सॉल्व करोगे 0.08 4-6 के आसपास आना है, 0.05 भाग करके देखिएगा इसी क्या लमसम में आए, -9 कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो तो एप्सिलॉन 0 तीन अंक इधर जाएगा तो 8.846 × 10⁻³ करना कुछ नहीं है, ऊपर नीचे 1000 का गुणा करो, ऊपर जब 1000 गुणा करोगे तो 8.846 × 10⁻³ 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो 8.85 क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, इसको विलुप्त करने के लिए इसको बढ़ा देंगे, 10⁻½ कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। फटाफट नोट करो, सुनो मेरी बात, एप्सिलॉन 0 मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻½ कूलम्ब न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 1/4πε0 = 9 × 10⁹ किया कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कूलम्ब स्क्वायर के साथ आया कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है, इसको इधर किया भाग वर्ग किया तो कितना आया 0.08846, ऊपर नीचे 1000 का गुणा किया जाए इसको 10 को 3 अंक इधर ले जाने के लिए 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा, 10⁻³ × 10⁻²⁻¹² एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻½ कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। जल्दी करें उसके बाद फिर लिखा था, दूसरा जो पॉइंट बनेगा नोट का, दूसरा पॉइंट बनेगा एप्सिलॉन 0 की विमा, एप्सिलॉन 0 बराबर कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन, मात्रक आपने ही निकाला है ना, एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए
बेटा गुलाम का मतलब आवेश, आवेश की बीमा आपको बताई जा चुकी है, ए टी अपा न्यूटन, न्यूटन का मतलब बल, बल की बीमा एम एल टी पावर माइनस टू, यल का मतलब लंबाई, लंबाई की बीमा यल, यल का स्क्वायर। चलिए यहां भी स्क्वायर है, अगर आप देखें सॉल्व करें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपा यम यल इंटू यल स्क्वायर, यल क्यूब टी पावर माइनस टू। अब ये जब ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो बताओ यम ऊपर गया यम के पावर माइनस वन, यल के पावर थ्री ऊपर गया यल के पावर माइनस थ्री, ए स्क्वायर तो है ही। अब ध्यान से देखना ये टी टू पावर माइनस टू है, टी स्क्वायर वहां पहले से है, जब ये टी का पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी के पावर फोर, तो ये क्या निकल के आई, एप्साइलन नॉट की बीमा। नोट करें फटाफट, चलो सर। अब जहां तक कूलाम का नियम क्या कहता है, हमने बात बेटा चर्चा शुरू की थी किसकी, स्थिर विद्युत बल की, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद हमने चर्चा करनी शुरू की, फिर आपसे कहा कि यफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, फिर आपसे ये कहा गया कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, फिर आपसे कहा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब किसी भी पदार्थ द्वारा आवेश सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है, उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। तो निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसकी बीमा निकालनी। अब आपको परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक और कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए कुछ न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप कल करते रहिए, कल नोट्स इस वीडियो के बाद प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। और कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, खासतौर से बीके क्लासेस वाले ज्यादा, तो क्या मैं वीडियो पे कहूँ उन सबको।